कीमत पर सोना, वाहन और दूसरे कीमती सामान दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी किए जाने का केस सामने आया है। केस की सूत्रधार MIDC के पुलिसकर्मी की पत्नी और सीताबर्डी थाने के पुलिसकर्मियों को तहसील पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पड़ताल में 12 लाख की धोखाधड़ी सामने आई है। जाँच में यह राशि काफी अधिक होने का पता चला है। आरोपियों में पल्लवी कमलेश जावलीकर, पुलिस वसाहत गिट्टी खदान और पंकज बुद्धम रामटेके भामटी त्रिमूर्ति नगर है। पल्लवी का पति कमलेश जावलीकर MIDC और पंकज रामटेके सीताबर्डी थाने में कार्यरत है। दोनों में गहरी मित्रता है। सूत्रों के अनुसार धोखाधड़ी की सूत्रधार पल्लवी जावलीकर है। वह लोगों को बाजार से कम कीमत पर सोना, वाहन और दूसरी कीमती वस्तुएं दिलाने का झांसा देकर फंसाती है। पंकज इस धोखाधड़ी में पल्लवी की मदद करता है। ताजा प्रकरण पीड़ित रवि लोलगे की त्रिमूर्ति नगर में सानवी ज्वेलर्स है। पंकज की लोलगे से पहचान है। पंकज ने कम कीमत में सोना उपलब्ध कराने का झांसा देकर लोलगे की पल्लवी से भेंट कराई। पल्लवी ने लोलगे को बताया कि वह GST लगाए बगैर सोना दिला देगी, इससे उन्हें कम कीमत में सोना मिल जाएगा। लोलगे को इस बात पर भरोसा हो गया। उन्होंने पहली बार 300 ग्राम सोने का सौदा किया। पल्लवी ने डिलीवरी वक्त पर दी। फिर लोलगे ने 250 ग्राम सोना खरीदा। यह सोना भी पल्लवी ने वक्त पर दे दिया, जिससे लोलगे को पल्लवी पर भरोसा हो गया। लोलगे ने तीसरी बार 300 ग्राम सोना का सौदा करके पल्लवी को 12 लाख रुपए एडवांस दिए। पल्लवी ने लोलगे को अग्रसेन चौक पर बुलाया। वहां 12 लाख रुपए लेने के बाद सोना डिलीवरी करने का झांसा दिया। तय वक्त बीत जाने के बाद भी सोना नहीं दिए जाने से लोलगे तकादा करने लगे। पल्लवी टालम टोल करती रही, जिसके बाद लोलगे ने पंकज रामटेके से संपर्क किया। पंकज भी सोना नहीं देने के संबंध में संतोषजनक जवाब देने से बचने लगा। वह बीमारी अवकाश लेकर कुछ दिन पहले भूमिगत हो गया। पंकज के गायब होते ही लोलगे को संदेह हुआ। उन्होंने जब पड़ताल की तो पल्लवी द्वारा कई लोगों को ठगे जाने का पता चला। पोलीस स्टेशन जरीपटका, अपराध क्रमांक 340/2022, भादवी कलम 420, 406, 34 अन्वय पोलीस स्टेशन जरीपटका येथे गुन्हा दाखल झाला। पोलीस स्टेशन तहसील येथे गुन्हा दाखल झालेला आहे। यामध्ये फिर्यादी आहे रवी गजानन लोळगे, हे सोनार व्यावसायिक आहेत। यांचं सानवी ज्वेलर्स नावाचं त्रिमूर्तीनगर बजाज नगरच्या हद्दीमध्ये दुकान आहे। आणि त्यांचा मित्र पंकज रामटेके हा पोलीस कर्मचारी आहे, सीताबर्डी पोलीस स्टेशनला नेमणूक आहे त्याची। याच्या या मित्रामार्फत त्यांची पल्लवी जावळेकर ही आमची 2 नंबरची आरोपी आहे, तिच्याशी ओळख झाली आणि बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत सोनं मिळवून देतो असं आम्ही त्याला दाखवलं। आणि दोन वेळेला त्याच्याकडनं त्याने 4.5 लाखाचं एकदा आणि एक वेळेला 60,000 असं दोन वेळेला सोनं घेतलं आणि तिसऱ्या वेळेला 300 ग्रॅम सोनं देतो म्हणून 12 लाख रुपये या सोनाराकडनं घेतले आणि त्याला पैसेही परत दिले नाहीत आणि सोनंही मिळवून दिलं नाही। आणि अशा प्रकारे याची फसवणूक केलेली आहे। चौदा फेब्रुवारीच्या सुमारास त्यांनी हे कॅश रक्कम पंकज रामटेकेच्या मार्फतीने पल्लवी जावळेकरला दिली आणि सोनं मिळवून देतो हे आमिष दाखवलं। परंतु त्यानंतर आत्तापाव येतो, वेळोवेळी त्याने पाठपुरावा केला, त्याने मिळवायचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला ते दिलं नाही आणि त्याची फसवणूक झालेली आहे म्हणून हा गुन्हा दाखल झालेला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।